सेलिब्रिटी वेडिंग्स में ना एक वो ओएमजी वाला फैक्टर जरूर होता है। और लीजिए ओएमजी की बात की, यानी ओ माय गॉड कहा और ओएमजी आ गया अपने पांचवें सीजन के साथ। और इसके आगाज करने पहुंचे कृष्णा अभिषेक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं कृष्णा अभिषेक। और इंसान की जो सुबह की शुरुआत होती है चाय या कॉफ़ी से, तो एक अच्छी सी चाय पी के फ्रेश होके एकदम बढ़िया मेकअप करके, इस वक्त मैं बता दूं मैं बैंगलोर में हूं। और बैंगलोर इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, जहां पर आपको 12 महीने कमाल का क्लाइमेट मिलेगा, कमाल का खाना मिलेगा और कमाल कमाल के लोग मिलेंगे। आज मुंबई छोड़ के बैंगलोर इसलिए आए क्योंकि OMG ये मेरा इंडिया हमारा पाँचवा सीज़न जो है वो 3 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है और उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये मेरी OMG की फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हम यहाँ पर बैंगलोर में कर रहे हैं। अभी पेट पूजा जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान पेट के लिए काम करता है। हम फिलहाल मैं डाइटिंग पर हूँ, तो देखता हूँ आज यहाँ बैंगलोर में मुझे लगता है डोसा बहुत अच्छा मिलेगा। तो आइए डोसे से बैंगलोर की शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल हम लोग MG रोड पर है ताज होटल में, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहे हैं। तो बोलते हैं ना दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी आरती तो हो गई लेकिन मुझे भी भगवान की आरती, मुझे माथा टेकना पड़ेगा। तो गणपति बापा की बहुत अच्छी मूर्ति है यहाँ पे, तो उनका आशीर्वाद लेके, उनकी ब्लेसिंग्स लेके आइए शुरुआत करते हैं OMG ये मेरा इंडिया के 5th सीज़न। लोग हवे में ही रहते हैं, लोर बोलते हैं ना कृष्णा बहुत हवे में रहता है, कृष्णा हवे में बातें करता है। आज हम असली हवे में और हवे में बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं, हवे में खा रहे हैं हम लोग। ये फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट है बैंगलोर में, ये कई जगहों पर है, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, लेकिन इंडिया में सिर्फ बैंगलोर में है। और यहाँ पर हम OMG तरीके से जो है ओ माई गॉड वाली जो फीलिंग है वो यहाँ पर आ रही है। पहली बार जब मैं एकदम ऊपर चला गया था तो मुझे लगा कि मैं ऊपर ही चला गया, थोड़ा मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने पकड़ लिया था थोड़ा आगे से। लेकिन वो आई थिंक एक आध बार के बाद जब सेकेंड टाइम आप आते हो तो थोड़ा डर कम हो जाता है। इंदौर में एक कैफ़े है जिसका नाम है भड़ास कैफ़े। तो आपकी दुनिया दिन भर की या दुनिया भर की जितनी भड़ास है आप उस कैफ़े में जाके निकाल सकते हैं। आपको एक डंडा दिया जाता है और एक रूम में भेजा जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, आपको डंडे मार मार के वो चीज़ें तोड़नी है। कपिल शर्मा भी OMG बोलूँगा मैं उसको। हाँ, गुड न्यूज़ दे दी उसने कि हम लोग सब साथ में आ रहे हैं और हम साथ में फिर से इतने सालों बाद काम कर रहे हैं। कपिल के साथ मैं अभी रिहर्सल्स कर रहा हूँ और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि द मोस्ट सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सन। हमारे जब शो के हम राइवल हुआ करते थे, मैं हमेशा चाहता था कि हमारे शो की TRP ज़्यादा रहे। TRP का खेल तो रहा है लेकिन टैलेंट की अगर बात करें तो कपिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम टैलेंट। और शो बनाना आता है कपिल को कैरेक्टर्स पे वर्क करते हैं वो। अभी जैसे मैं भी कर रहा हूँ तो क्या करेगा कृष्णा, कैसे आएगा, क्या बोलेगा,
एक एक चीज़ पे कपिल बैठता है, मज़ा आएगा। कमाल तो मैं नहीं बोलूँगा, धमाल तो होना ही है, वो तो होगा ही, नो डाउट अबाउट इट, बट मज़ा बहुत आएगा। एक होता है ना कि पुराने एक ये लफंडर कॉमेडी सर्कस के, जो कि कपिल तो सुपर स्टार बन गया बाद में, हमने भी नाम कमाया, बहुत हम भी स्टार बने, लेकिन वो कॉम्बिनेशन जो है भारती भी है, तो हाँ मज़ेदार लोग हैं साथ में, इट्स गोना बी फन। वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड है सबका, कपिल भी बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड है कि हम सब साथ में जुड़े हैं। और कपिल शर्मा शो है तो उसके कंधे पे ज़्यादा भार आ जाता है कपिल के, लेकिन वो डिज़र्व करता है कपिल, जो कपिल का स्टारडम है, बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत वर्क करता है, मैंने नोटिस किया, जो कि हमने भी की हैं लेकिन इतनी नहीं की जितनी कपिल ने की। शादी भी है, हाँ हम लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ अमृतसर कपिल की शादी पे, 24 तारीख को बॉम्बे में रिसेप्शन है। ज़्यादा नहीं देखना चाहूँगा, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है। मैं सबको बोलूँगा कि स्काई क्या बोलते हैं फ्लाई डाइनिंग जो है, सब लोग यहाँ पर आएँ, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप आएंगे ऐसा एक्सपीरियंस, हवा में बैठ के खाना खाना किसने कभी खाया होगा यार, मुझे तो नहीं लगता। अब मुझे कोई डर नहीं, ऐसा ना हो ज़्यादा मैं खुल जाऊं और ये खुल जाए नीचे से, फिर मेरा क्या होगा, और फिर कपिल शर्मा शो भी शुरू हो रहा है 5 तारीख से, उसका क्या होगा, मेरा इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।